समुद्री तूफान के असरात बढ़ने लगे। समुद्री तूफान बायपरजॉय की शिद्दत के बाइस हॉक्स बे पर समंदर बिफर गया। लहरें 30 फीट तक बुलंद होने लगी। हॉक्स बे जाने वाली सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गईं। सोमार गोट के करीब बनाया गया बंद टूट गया, जिसकी वजह से 180 मकानात को खतरा लाहक हो गया। हॉक्स बे पर गुज़िश्ता शाम से ही तुग़यानी की सूरत हाल है। समुद्री लहरें साहिल पर मौजूद हट से पूरी शिद्दत के साथ टकरा रही हैं, जबकि मुतअद्दिद मुकामात पर हट भी ज़ेरे आब आ गए, जबकि पानी हॉक्स बे की बास सड़कों तक आ गया। इससे मिलती जुलती सूरत हाल सीव्यू क्लिफ्टन पर भी देखी गई, जहां समुद्री लहरें दो दरिया की दीवार से टकरा रही हैं, जबकि साहिल पर पानी काफी चढ़ा हुआ है। हुकाम की जानिब से मुतअद्दिद बार साहिल से दूर रहने की अपील की गई है। इसके बावजूद लोग दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए साहिल का रुख कर रहे हैं। कराची पुलिस ने ऐसे मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% आवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रजाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है तो कोई ऐसा बजट नहीं जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।